कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन के आदेश से अब कलेक्ट्रेट परिसर में बिना थर्मल स्कैनिंग के प्रवेश नहीं हो पाएगा तथा कलेक्ट्रेट में सभी आगंतुकों का अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना जरूरी है। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश के लिए गेट नंबर 1 से सभी आने वाली गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी तथा उनका नाम और पता भी नोट किया जाएगा। शास्त्री चौक से कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने के लिए गेट नंबर 2 से अधिवक्ता और कलेक्ट्रेट कर्मी प्रवेश करेंगे। इसके अलावा सेंट एंड्रयूज की तरफ से बने गेट नंबर 3 पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एसडीएम सदर राजेश कुमार सिंह ने कहा, जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया था कि जो हमारा कलेक्ट्रेट का मेन गेट है, अब वहाँ से जो भी एंट्री करेगा तो उसकी उसका तापमान की जांच की जाएगी, उसका नाम पता लिखा जाएगा और जो हमारा दूसरा गेट है जो शास्त्री चौक की तरफ है वो गेट ओपन रहेगा। जो वकील साहबान हैं उस गेट से इंटर करेंगे और पीछे तक चले जाएंगे और घूम करके वो रजिस्ट्री ऑफिस तक चले जाएंगे। जो जिलाधिकारी महोदय का कार्यालय है और जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का कार्यालय, इन दोनों कार्यालयों में यदि कोई व्यक्ति जाना चाहता है या प्रवेश करता है तो उसको अपना नाम पता बाहर लिखवाना होगा और उसका थर्मामीटर से उसका तापमान चेक किया जाएगा। यदि कोई पॉजिटिव व्यक्ति होगा तो उसको CMO को सूचित करके और उसका प्रॉपर इलाज कराया जाएगा। अन्य व्यक्तियों का वहाँ पर प्रवेश सामान्य तौर पर प्रतिबंधित नहीं है, परंतु चूँकि जन सुनवाई नहीं हो रही है इसलिए केवल वही लोग आएंगे जिनको बहुत ज़रूरी कार्य होगा। सर फरियादियों के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त का कार्यालय खुला हुआ है, ADM सिटी साहब का कार्यालय खुला हुआ है, वहाँ तक आ सकेंगे और वैसे सामान्य तौर पर फरियादियों को सुनने के निर्देश अभी नहीं दिए गए हैं। सर